गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजय कुमार सिंह फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, भोपाल। टुडे इन लेक्चर नंबर 9 वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। ये मेथड बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये सेकंड मेथड है मोमेंट एरिया मेथड। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है, तो उसका स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड में ये दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई बीम है, पॉइंट ए पॉइंट बी दो पॉइंट है, तो ये बोलता है कि पॉइंट बी पर जो स्लोप होगा, पॉइंट बी पर का जो स्लोप होगा वो पॉइंट ए से बी के बीच का जो कर्वेचर डायग्राम होगा, उस कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम जो होगा वो बी पॉइंट का स्लोप बताएगा। दूसरा थ्योरम ये बोलता है कि अगर बीम है जिसका एक एंड ए है दूसरा एंड बी है, तो पॉइंट बी पर जो डिफ्लेक्शन होगा, बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया है, इस एरिया का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी से जो एरिया का मोमेंट होगा वो पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन बताएगा। तो इसके लिए ये दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम बोलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स A and B to the elastic curve is equal to the area of curvature diagram between A and B. Curvature diagram A से B के बीच का जो curvature diagram होगा वो point B का slope बताएगा। And दूसरा है कि vertical displacement of point B from the tangent drawn at point A is equal to the moment of curvature diagram between A and B about B. कर्वेचर डायग्राम जो होगा, उस कर्वेचर डायग्राम का जो A से B के बीच में है उसका जो मोमेंट होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस, कहाँ से सी जी डिस्टेंस, अबाउट पॉइंट B. तो यहाँ से देखें सॉल्व करने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है उस क्वेश्चन का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर साइन नेगेटिव है तो उसके नीचे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के जस्ट नीचे जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस डायग्राम को बोलते हैं कर्वेचर डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट का जो साइन होता है उस साइन को हम बदल देते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव अगर बेंडिंग मोमेंट का साइन है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। तो जो साइन है बेंडिंग मोमेंट में, जो साइन है उस साइन को चेंज कर देते हैं और बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड में ई इंटू आई से डिवाइड कर देते हैं, तो उस डायग्राम को बोलते हैं कर्वेचर डायग्राम। तो जो लोडिंग डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले हम उस लोडिंग डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज कर देंगे और उसके जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में ई आई से डिवाइड कर देंगे, तो जो डायग्राम होगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड कर्वेचर डायग्राम। तो एरिया मोमेंट मेथड से अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको कर्वेचर डायग्राम प्लॉट करना होगा। तो कर्वेचर डायग्राम ये प्लॉट कर लिए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो बोल रहा है कि एरिया ऑफ इस कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होगा, इस कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होगा वो पॉइंट बी,
वो पॉइंट बी का स्लोप बताएगा, स्लोप एट पॉइंट बी। तो यहाँ से कर्वेचर डायग्राम जो है किस टाइप का है, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से देखें थीटा बी, थीटा बी मीन्स स्लोप एट पॉइंट बी। तो स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी के बीच का जो कर्वेचर डायग्राम का एरिया है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ हाफ इनटू बेस, बेस है एल, टोटल लेंथ है एल, तो बेस हो गया एल, एंड हाइट कितना है डब्ल्यू एल बाई ई आई, तो हाइट हो गया डब्ल्यू एल बाई ई आई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई। दिस इज द स्लोप एट पॉइंट बी। सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम टू, अकॉर्डिंग टू थ्योरम टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी क्या होता है, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया, जिस पॉइंट पर हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ हमको स्लोप फाइंड आउट करना है बी पॉइंट से, तो इसका सी जी डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे बी पॉइंट से। तो एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई, यहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई इंटू सी जी डिस्टेंस। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का वोर्टेक्स से सी जी एक्ट करता है टू बाई थ्री इंटू एल, एंड बेस से सी जी एक्ट करता है, बेस से सी जी एक्ट करता है एल बाई थ्री डिस्टेंस। तो हमको चाहिए पॉइंट बी से, तो वाई बी, वाई बी मीन्स डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी मीन्स मूवमेंट ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट बी। तो पहले हम एरिया, ये एरिया निकाल लेंगे एरिया, और एरिया में बी पॉइंट से इस एरिया का जो सी जी डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी जी डिस्टेंस कितने, बी से वोर्टेक्स से कितने डिस्टेंस प्रोजेक्ट करेगा, टू बाई थ्री इंटू एल, तो मल्टीप्लाई बाई टू बाई थ्री इंटू एल दैट इज डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री ई आई। तो यहाँ से बहुत ही आसान मेथड है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, उस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कर्वेचर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होगा वो बी पॉइंट का स्लोप बताएगा, कर्वेचर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, ये बताएगा बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा है W, तो हमने फाइंड आउट किया कि फ्री एंड पर बी पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई होगा, डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री ई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है L, लेंथ है L मीटर, और जो UDL इसके ऊपर लग रहा है उसकी इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि पॉइंट B पर, पॉइंट B पर स्लोप क्या होगा, पॉइंट B पर स्लोप क्या होगा एंड पॉइंट B पर डिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी कि ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड जब बीम बेंड होगा तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन प्लेन में जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, इनिशियली ये था वर्टिकल पोजीशन में, अब हो गया इंक्लाइंड पोजीशन में, इसके बीच का जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज स्लोप। तो एंगल ऑफ रोटेशन एट पॉइंट बी दैट इज थीटा बी हमको फाइंड आउट करना है, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इनिशियली इस पोजीशन में था, लोड अप्लाई होने के बाद ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन दैट इज वाई बी। तो बी पॉइंट पर
जो मैक्सिमम स्लोप होगा कहाँ होगा एट पॉइंट बी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कहाँ होगा एट पॉइंट बी। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर के केस में कहाँ होता है, एट द फ्री एंड, यानी कि एट पॉइंट बी। तो हमको फाइंड आउट करना है स्लोप एट पॉइंट बी एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम। मोमेंट क्या होता है, कर्वेचर एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवेन है इस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का जो साइन होगा नेगेटिव है तो साइन को चेंज कर देंगे पॉजिटिव। जो इंटेंसिटी बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट की है इसमें डिवाइड कर देंगे ई आई से। ये जो डायग्राम बना द डायग्राम इज कॉल कर्वेचर डायग्राम। तो अब कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होगा वो बी पॉइंट का स्लोप बताएगा। कर्वेचर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस जो होगा वो पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन बताएगा। तो यहाँ से कर्वेचर डायग्राम हम प्लॉट कर लिए। तो चूंकि यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल लग रहा है तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लाइन कैसे होगा, पैराबोलिक। तो यहाँ से अब ये पैराबोलिक है तो पैराबोला का एरिया क्या होता है, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ए से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के बी के बीच का जो कर्वेचर डायग्राम का एरिया है, तो ट्रायंगल के केस में एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैराबोला के केस में एरिया क्या होता है, 1/3, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/3 यहाँ से जो हाइट है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई इंटू बेस, बी से ए के बीच का लेंथ कितना है एल, तो मल्टीप्लाई बाई एल। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए, तो जो स्लोप आया डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स ई आई। अब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट बी, यानी कि मोमेंट मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस, कहाँ से, किस पॉइंट से सी जी डिस्टेंस, बी पॉइंट से। तो एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स ई आई अभी हम देख चुके हैं, इंटू पैराबोला का जो सी जी वोर्टेक्स एक्ट करता है वो 3L/4 डिस्टेंस पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस, पैराबोला के केस में वोर्टेक्स से जो सी जी एक्ट करता है वो एट 3L/4 डिस्टेंस। तो यहाँ से पैराबोला का एरिया बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस 3L/4, इसको सॉल्व किए तो आ गया WL/4/ATI। तो अगर कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर UDL लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, तो हमको मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा कैंटिलीवर केस में, एट फ्री इन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, एट फ्री इन। तो फ्री इन बी पर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, फ्री इन बी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रोसीजर ये है कि पहले हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कर्वेचर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होता है, कर्वेचर डायग्राम का जो एरिया होता है वो फ्री इंड का स्लोप बताता है, और कर्वेचर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई एरिया का सी जी जो होता है वो फ्री इंड का डिफ्लेक्शन बताता है। तो इस तरह से हमने निकाला डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स ई आई दैट इज स्लोप एट पॉइंट बी, WL/4/ATI दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी किए थे, आंसर आप मैच कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी तक हम लोगों ने देखा था कैंटिलीवर बीम, अब देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्लाइटली जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के जस्ट नीचे हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे कर्वेचर डायग्राम। कर्वेचर डायग्राम मतलब जो साइन होगा, जैसे W2WL/9 है,
तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ई आई से। तो यहाँ से 2WL/9 था इंटेंसिटी, यहाँ क्या हो जाएगा -2WL/9 ई आई। तो ई आई से डिवाइड कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो जो डायग्राम बना दैट डायग्राम इज कॉल कर्वेचर, दिस डायग्राम इज कॉल कर्वेचर डायग्राम। तो अब कर्वेचर डायग्राम प्लॉट हो गया। तो कर्वेचर डायग्राम प्लॉट होने के बाद एक बस दो तीन चीज़ें ध्यान से हमको देखनी है कि स्लोप एट सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्लोप एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए का जो स्लोप होगा वो ए क्या है, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ए से बी का जो बीच में जो कर्वेचर डायग्राम है, तो उस कर्वेचर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम बी, यानी कि एल माइनस एक्स। हम यहाँ लिखे कि होल एरिया का सी जी ए से एक्स बार पर डिस्टेंस पर है, तो बी से हो जाएगा एल माइनस एक्स बार डिस्टेंस पर। तो यहाँ एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम पॉइंट बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है ए से बी के बीच का, एल, टोटल लेंथ है एल, तो डिवाइड बाई एल, ये बताएगा एरिया स्लोप एट पॉइंट ए। इसी तरह से अगर हमको स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है, कि यहाँ स्लोप क्या होगा, तो स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम ए, सी जी डिस्टेंस फ्रॉम ए डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमको लेफ्ट सपोर्ट पे स्लोप चाहिए, तो कर्वेचर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंड डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ये लेफ्ट सपोर्ट का स्लोप होगा। राइट सपोर्ट पर अगर हमको चाहिए स्लोप, राइट सपोर्ट यानी कि बी पर जो सपोर्ट होगा वो क्या होगा, सेम एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो इस तरह से दोनों एंड पे, लेफ्ट एंड राइट एंड पे सपोर्ट निकालना है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम अदर एंड डिवाइड बाई टोटल लेंथ। नाउ अगर इन बिटवीन किसी पॉइंट पर हमको अगर स्लोप चाहिए, पॉइंट डी पर चाहिए या पॉइंट ई पर चाहिए, इन बिटवीन किसी पॉइंट पर चाहिए, तो स्लोप एट पॉइंट डी इज इक्वल टू स्लोप एट लेफ्ट एंड यानी कि थीटा ए जो निकाल चुके हैं यहाँ, थीटा ए प्लस एरिया बिटवीन ए एंड डी। थीटा ए यानी कि स्लोप एट एनी पॉइंट डी, डी पर जो स्लोप होगा वो स्लोप एट पॉइंट ए प्लस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड डी। यहाँ से स्लोप एट एनी पॉइंट डी इज इक्वल टू थीटा ए यानी कि स्लोप एट पॉइंट ए प्लस ए सफिक्स ए डी मीन्स एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड डी। इसी तरह से हम इसको यहाँ से भी अगर बी के से निकालना चाहें, तो स्लोप एट एनी पॉइंट डी इज इक्वल टू, अगर हम राइट एंड से भरना चाहें तो स्लोप एट पॉइंट बी माइनस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन बी डी, बी से डी के बीच में, यानी कि एनी पॉइंट अगर डी पॉइंट पर हमको स्लोप चाहिए तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, स्लोप एट पॉइंट ए प्लस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड डी, या हम निकाल सकते हैं कि स्लोप एट पॉइंट डी इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी माइनस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन बी एंड डी। दोनों तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए
तो डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑलवेज जीरो। तो डिफ्लेक्शन हमको कहीं भी अगर फाइंड आउट करना है इन बिटवीन, हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट डी पर, या डिफ्लेक्शन पॉइंट आउट करना है पॉइंट सी पर, या डिफ्लेक्शन पॉइंट आउट करना है पॉइंट ई पर, तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पर अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, बीम में डी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो ये रिलेशन हमको याद रखना होगा कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए। पॉइंट ए का जो स्लोप होगा, जो कि यहाँ हम निकाल चुके हैं थीटा ए, स्लोप एट पॉइंट ए इंटू मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी के बीच का डिस्टेंस, ए से डी के बीच का डिस्टेंस, स्लोप एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ए डी प्लस एरिया बिटवीन ए डी, एरिया बिटवीन ए डी एंड उस एरिया का, ए से डी के बीच का जो एरिया है, इस एरिया का सी जी कहाँ से, सी जी डिस्टेंस कहाँ से, अबाउट पॉइंट डी। तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए से यानी कि लेफ्ट सपोर्ट से अगर बढ़ना चाहें, थीटा ए से बढ़ना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम बी पॉइंट से बढ़ना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। यानी कि डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप एट लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड टू दैट पॉइंट प्लस एरिया बिटवीन ए टू डी, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए टू डी एंड मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस ऑफ दैट कर्व एरिया फ्रॉम पॉइंट बी। इस तरह से हम अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम किसी भी पॉइंट पर स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अपने को ध्यान रखने वाली रिलेशन जो याद रखना चाहिए, थीटा ए कैसे निकालेंगे, थीटा बी कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, ये रिलेशन हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन यानी कि लेंथ है 6 मीटर, कैरीज ए पॉइंट लोड 50 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड यानी कि ए से 4 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसके जिसका मैग्नीट्यूड है 50 किलो न्यूटन, तो राइट एंड से कितना हो जाएगा 2 मीटर। क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप एट द सपोर्ट्स, यानी कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट ए एंड स्लोप एट पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, जो लोड लग रहा है यानी कि पॉइंट सी पर बीम कितना डिफ्लेक्ट होगा, पॉइंट सी पर बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है इस, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इसका वैल्यू हमको कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम कर्वेचर डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कर्वेचर डायग्राम बन करके तैयार हो गया, तो यहाँ से जो ट्रायंगल बना, तो इसका इस कर्वेचर डायग्राम का जो सी जी होगा, सी जी वो ए डिस्टेंस से एक्स बार एंड पॉइंट बी से इसका नाम हम लिख रहे हैं एल माइनस एक्स बार, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एल प्लस ए बाई थ्री, एल कितना है 6, ए कितना है 4, बी कितना है 2, ए क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एंड बी क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड फ्रॉम राइट सपोर्ट। तो यहाँ से x बार इज इक्वल टू एल प्लस ए बाई थ्री, यानी कि 6 + 4/3 मीन्स 10/3, एल माइनस एक्स बार, एल माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस बी बाई थ्री, यानी कि 6 + 2/3। तो यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ एल माइनस एक्स बार, जहाँ x बार क्या है कर्वेचर डायग्राम का सी जी डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ए, एल माइनस एक्स बार क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कर्वेचर डायग्राम फ्रॉम पॉइंट बी। अब यहाँ से हम
ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्लोप एट लेफ्ट इन, स्लोप एट लेफ्ट इन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए। ए क्या है, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। एल माइनस एक्स बार, एल माइनस एक्स बार सी जी डिस्टेंस कहाँ से है, बी से, फ्रॉम पॉइंट बी बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एल एल कितना है सिक्स, तो वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स इंटू एरिया, ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एल माइनस एक्स बार। एल माइनस एक्स बार हम निकाल चुके हैं कितना है, एट बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई एट बाई थ्री। तो यहाँ से निकल गया स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप पॉइंट ए पर जो स्लोप होगा, पॉइंट ए पर जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 88.89 बाई ई आई। इस तरह से हमको निकालना है स्लोप एट पॉइंट बी। तो स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, एक्स बार क्या है सी जी डिस्टेंस फ्रॉम ए, सी जी डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिवाइड बाय टोटल लेंथ, डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसको पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया स्लोप एट पॉइंट बी। अब हमको फाइंड आउट करना है थर्ड बिट, क्या निकालना है कि टू फाइंड डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड सी, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप एट लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए सी मल्टीप्लाई बाय सी जी डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर डायग्राम फ्रॉम पॉइंट सी। तो यहाँ से थीटा ए, थीटा ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, थीटा ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो थीटा ए का वैल्यू यहाँ, तो थीटा ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इनटू ए सी, ए से सी के बीच का डिस्टेंस, ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया 4 इनटू एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए एंड सी, ए से सी के बीच का, ए से सी के बीच का एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम, एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सी जी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी जी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, बेस से सी जी कहाँ एक्ट करता है, एच बाई थ्री, एच कितना है 4, एच है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दिया कि पॉइंट सी पर जो डिफ्लेक्शन होगा सॉल्व करने के बाद वो 177.78 बाई ई आई होगा। तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल दिया लेफ्ट सपोर्ट पे, स्लोप फाइंड आउट कर लिए राइट सपोर्ट पर, डिफ्लेक्शन पॉइंट आउट फाइंड आउट कर लिए अंडर पॉइंट लोड एट पॉइंट सी। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर पॉइंट लोड सेंटर पर नहीं लग रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एसी पोर्शन है एंड ये सीबी पोर्शन है, एसी पोर्शन 4 मीटर है, सीबी पोर्शन 2 मीटर है, यानी कि एसी पोर्शन लार्जर है कंपेयर टू सीबी पोर्शन। तो अगर पॉइंट लोड जो है सेंटर में नहीं लग रहा है, मिड पॉइंट पे नहीं लग रहा है, तो बीम जो डिफ्लेक्ट होगा, बीम जो डिफ्लेक्ट होता है तो ऑलवेज जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता मिलता है वो इन लार्जर पोर्शन, लार्जर पोर्शन यहाँ क्या है एसी है, यानी कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इन लार्जर पोर्शन, यानी कि ए से सी के बीच में कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो हम ये फाइंड आउट कर लें कि वो कितने डिस्टेंस पर होगा, वो कितने, यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट। अब x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जहाँ स्लोप 0 होता है वहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। तो हम क्या करेंगे कि स्लोप इक्वेशन को हम यहाँ निकालेंगे और x उसको इक्वेट कर देंगे 0, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का, वो x का वैल्यू डिफ्लेक्शन में हम पुट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो नाउ ये पार्ट ऑफ द ट्रेंगल ए है, ये हम मान लिए नाम दिए डी, ये था अपना पॉइंट सी जहाँ की कर्वेचर डायग्राम का जो हाइट था वो 66.67 बाई ई आई था।
हमको इन बिटवीन हमको पता है कि ए से सी के बीच में कहीं स्लोप जीरो होगा, तो हम मान लिए कि लेफ्ट सपोर्ट ए से एक्स डिस्टेंस पर सपोर्ट जीरो होगा और उस पॉइंट का हम नाम दिए डी। तो यहाँ से डी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं स्लोप और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। तो नाउ यहाँ से सपोर्ट एट एनी पॉइंट डी इज इक्वल टू, हम देख चुके हैं पहले कि स्लोप एट पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप एट पॉइंट ए प्लस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए डी। तो यहाँ से और इसको इक्वेट कर दिए जीरो से, जीरो से इक्वेट करने के बाद यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स के इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पर स्लोप जीरो होगा, तो इस यहाँ स्लोप जीरो होगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डिफ्लेक्शन का, अब हम डी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू निकल गया, तो अभी इस डिस्टेंस पर डी पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर लेंगे डिफ्लेक्शन। तो नाउ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, हम देख चुके हैं कि स्लोप एट लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ए डी प्लस एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम बिटवीन ए डी मल्टीप्लाई बाई सी जी डिस्टेंस फ्रॉम डी। अब सभी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई किए तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी इज इक्वल टू आया 193.53 इंटू ई आई। तो इस तरह से हम सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो, तो उसमें हम बाई यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड हम कैसे स्लोप निकालेंगे, कैसे डिफ्लेक्शन निकालेंगे, मैक्सिमम स्लोप कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने देखा। तो ये सेकेंड यूनिट का था लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। तो नाउ हैव ए गुड डे, थैंक यू।